हाय स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पीसी पॉइंट अंबरनाथ बॉर्न फॉर आईटी में। और आज हम देखने वाले हैं एक टॉपिक जो MS Word में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसको कहा जाता है मेल मर्ज। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हम स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज को किस तरह से यूज़ करना है वो देखेंगे। हम सब लोग क्या करते हैं कि एक लेटर लिखते हैं और उसको बार 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 किसी को सेंड करना होता है, तो एक बार किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को सेंड करना ईजी है। लेकिन सेम लेटर अगर आपको काफ़ी सारे एक साथ 100,000 लोगों को सेंड करना है, तो मेल मर्ज सबसे अच्छा ऑप्शन है जो कि हमारे MS Word में अवेलेबल है। तो चलो ठीक है, देखते हैं कि इस मेल मर्ज को किस तरह से यूज करते हैं। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे टू लिखा मैंने, ठीक है। टू वाला जो एड्रेस है, अभी मुझे देखो एक से ज्यादा लोगों को लेटर सेंड करना है, यानी कि एक से ज्यादा मुझे लेटर का फॉर्मेट यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन से टैब का यूज करेंगे? मेलिंग टैब का यूज करेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जैसे कि ये फ्रॉम वाला एड्रेस ये सेम रहेगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट टू वाला एड्रेस अपना अलग अलग रहेगा, हर एक पेज पे मुझे अलग अलग पर्सन का एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसी थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टू के बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आएगा अपना सब्जेक्ट, जैसे कि सपोज करो लीव एप्लीकेशन, किसी को मुझे लीव एप्लीकेशन सेंड करना है, तो लीव एप्लीकेशन ये मेरा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लिखा जाता है ग्रीटिंग लाइन, जैसे कि डियर, रिस्पेक्टेड वगैरह, ठीक है। वो भी हम मेलिंग टैब में जाके टाइप करने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट ग्रीटिंग लाइन के बाद सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी अपना क्या बोलते हैं उसमें, जो भी मैटर रहेगा वो यहाँ पे लिखते हैं, बराबर। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए अपना पैराग्राफ लेती हूँ, ठीक है। रैंड में मैंने 3 टाइप किया, क्यों? क्योंकि मुझे 3 ही पैराग्राफ चाहिए यहाँ पे, इसलिए इक्वल्स टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट के अंदर 3। जितना अमाउंट तुम लोग ब्रैकेट के अंदर डालेंगे उतना पैराग्राफ तुम लोग को यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। एंटर किया, आया यहाँ पे। नेक्स्ट ये पैराग्राफ के बाद आता है अपना सिग्नेचर लाइन, ठीक है। तो ये सिग्नेचर लाइन भी मुझे राइट साइड में लिखना होगा, तो इंक्रीज इंडेंट करते हैं पहले। सिग्नेचर लाइन तुम लोग यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, या तो फिर इंसर्ट टैब में जाके, इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड अ सिग्नेचर लाइन, क्लियर है। तो ऐड अ सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम लोगों को किसका सिग्नेचर चाहिए, तो उनका नाम यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं मेरा नाम किरण जाधव, देन इसको ओके किया, आ गया यहाँ पे सिग्नेचर लाइन। ये सिग्नेचर लाइन को तुम लोग मूव भी कर सकते हैं, बट अभी ये फिलहाल तो मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको मूव करने के लिए हम लोग को इसका पोजीशन चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये सिग्नेचर लाइन का पोजीशन कहाँ पे चेंज होता है, देखो ऊपर, जैसे सिग्नेचर लाइन को मैं सेलेक्ट करती हूँ तो वैसे एक मुझे फॉर्मेट टैब दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है फॉर्मेट टैब, वो फॉर्मेट टैब में जाने का है। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद एक पोजीशन का ऑप्शन आता है, पोजीशन, पोजीशन के ऑप्शन पे क्लिक करो। एंड क्लिक करने के बाद इसका पोजीशन कहाँ पे रखना है वो क्लिक करना है, जैसे मुझे ये वाला पोजीशन देना है, ठीक है, राइट साइड में चाहिए, बॉटम ऑफ द राइट, पोजीशन इन बॉटम राइट, ठीक है। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो अभी मूव हो रहा है, क्लियर है। तो अगर तुम लोग सिग्नेचर लाइन यहाँ पे इंसर्ट करते हो तो तुम लोग को कंपलसरी क्या करना होगा, उसको मूव करने के लिए पोजीशन देना होगा, विदाउट पोजीशन के वो मूव नहीं होता है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अभी हम मेलिंग टैब में जाते हैं, ठीक है। मेलिंग टैब में जाने के बाद सबसे यहाँ पे देखो सेकेंड वाला जो ग्रुप है स्टार्ट मेल मर्ज, वहां पे एक ऑप्शन आता है स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन, वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए अभी हम लोग यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं, लेटर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या सेलेक्ट करेंगे, लेटर्स, तो लेटर्स पे क्लिक करो। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है देखो, सिलेक्ट रेसिपिएंट। अभी तुम लोगों ने देखा यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन तुम लोगों को ऑफ दिखाई देगी, ये ऑप्शन ऑफ क्यों है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करना होगा। जब तक हम लोग यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट नहीं करते तब तक ये ऑप्शन ऑफ ही दिखाई देगी, ठीक है। तो सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में गए, ठीक है। तो सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में हम लोग को क्या करना है, लिस्ट क्रिएट करना है। किसका लिस्ट क्रिएट करना है, ये टू वाला एड्रेस का, यानी कि जिसको हमें लेटर भेजना है
वो पर्सन का यहाँ पे नाम ऐड करना है, ठीक है। तो वो लिस्ट कैसे बनाएंगे? अभी वो लिस्ट तो मैंने ऑलरेडी बना के तो नहीं रखी है, तो एग्जिस्टिंग लिस्ट नहीं आएगा। आउटलुक के कॉन्टैक्ट में से भी नहीं लेना है, हमें क्या करना है, नया लिस्ट टाइप करना है, न्यूली लिस्ट टाइप करना है। तो क्या लेंगे हम यहाँ पे जाके, टाइप अ न्यू लिस्ट। सो टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करो, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बड़ा सा लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिस्ट में हम लोग को इन्फॉर्मेशन फिल करना है। किसका इन्फॉर्मेशन फिल करना है? टू वाला एड्रेस का, ठीक है। तो जैसे कि टाइटल, टाइटल में लिखते हैं ना हम लोग मिस्टर मिस वगैरह, वो टाइटल में आ जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस। राइट साइड में जाएंगे तो देखो बहुत बड़ा सा लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें से सिलेक्टेड फील्ड रखो, बाकी का फील्ड जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फील्ड डिलीट करने के लिए कहाँ पे जाना होगा? कस्टमाइज कॉलम, कस्टमाइज कॉलम्स पे क्लिक करो। जैसे कि अभी मुझे टाइटल नहीं चाहिए, टाइटल सिलेक्ट करके डिलीट हो गया, डिलीट। नेक्स्ट फर्स्ट नेम रखना है मुझे, लास्ट नेम भी रखना है, कंपनी नेम नहीं रखना है, तो सिलेक्ट एंड डिलीट, ओके। एड्रेस एक ही रखना है, डिलीट, ओके। सिटी डिलीट, ओके। स्टेट डिलीट, ओके। नेक्स्ट जिप कोड, मतलब ही पिन कोड होता है, ठीक है। तो इसको चाहिए तो तुम लोग रिनेम भी कर सकते हो, वहां पे रिनेम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। रीनेम पे जाके इसका नाम मैं चेंज करती हूँ, जैसे इसका नाम दिया मैंने पिन कोड, ओके। देन इसको ओके किया, ओके किया। ओके करने के बाद कंट्री भी मुझे नहीं चाहिए, इसको डिलीट करती हूँ। होम फोन भी नहीं चाहिए, डिलीट। वर्क फोन, डिलीट। मतलब तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग को जो फील्ड रखना है वो फील्ड रखो, बाकी का तुम लोग कस्टमाइज कॉलम में जाके डिलीट कर सकते हो, क्लियर है। अभी मुझे बस इतना ही फील्ड रखना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस लाइन, पिन कोड एंड ईमेल एड्रेस, ठीक है। इसको ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद अभी जो मैंने लिस्ट क्रिएट किया है वो कंपलसरी यहाँ पे तुम लोगों को सेव करना होगा, ठीक है। तो तुम लोग फाइल नेम कौन सा भी डाल के यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेरा नाम से सेव कर रही हूँ, किरण जाधव। देन इसको सेव किया, ओके। सेव किया, अभी जैसे सेव करेंगे वैसे तुम लोग को देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन दिखाई देगा, ठीक है। ये ऑन क्यों हुआ? क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था जैसे तुम लोग स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन का यूज करेंगे वैसे ही ऑटोमेटिकली ऑन होते जाएंगे, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है? एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। अभी एडिट रेसिपिएंट लिस्ट में क्या रहेगा? जैसे रेसिपिएंट्स लिस्ट में हम लोगों ने क्या किया था, लिस्ट क्रिएट किया था जिसको हमें भेजना है, यानी कि टू वाला एड्रेस यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया था, ठीक है। अभी एडिट रेसिपिएंट लिस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं? एडिटिंग कर सकते हैं, ये दोबारा हम लोग इसमें रीचेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर किसी का कुछ ऐड करना है या फिर कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हुआ रहेगा तो यहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो एडिटिंग कैसे होगा? देखो यहाँ पे ये जो नाम से हम लोगों ने लिस्ट सिलेक्ट लिस्ट सेव किया था वो नाम यहाँ पे पता चलेगा, उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एडिट पे क्लिक करो। एडिट पे क्लिक करने के बाद ये दोबारा हम लोग को एडिटिंग करने बोलेगा, ठीक है। अगर जिसका एडिटिंग करना है उसको एडिटिंग करो, देन इसको ओके करो। ओके किया, ओके करने के बाद जो भी एडिटिंग किया है वो अपडेट करने बोलेगा ये, तो मैं इसको यस करती हूँ, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट इसको ओके किया, ओके किया। ओके करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा शो हो रहा है? एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक कहाँ पे लेना है मुझे? टू के नीचे लेना है। तो पहले तो कर्सर चेक करो, टू के नीचे है क्या? नहीं। तो टू के नीचे मैंने कर्सर को रखा, तो
ओके, कर्सर रखने के बाद एड्रेस ब्लॉक लेना है तो एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करो, ये आया अपना एड्रेस ब्लॉक, ठीक है, इसको मैंने ओके किया, ठीक है। अभी यहाँ पे एड्रेस नहीं दिखाई देगा तुम लोग को। नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं हम लोग ग्रीटिंग लाइन। ग्रीटिंग लाइन लेना है मुझे यहाँ पे, ठीक है, तो कर्सर मैंने यहाँ पे रखा और ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक किया, ग्रीटिंग लाइन आया यहाँ पे डियर। जैसे अगर ये लेटर अपना देखेंगे तो कैसे आएगा, डियर नंदिनी जोशी, ठीक है। अगर ये चेंज करना है तो ये चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। रिस्पेक्टेड डालना है तो रिस्पेक्टेड टाइप करना होगा तुम लोग को, देन इसको ओके करो। ओके किया, ओके करने के बाद अभी ये जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेना है मुझे, तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में कर्सर रखा, देन इसको बैकस्पेस किया, ठीक है, क्लियर है। अभी यहाँ पे देखो, जो मैंने एड्रेस का जो लिस्ट बनाया था वो लिस्ट तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बराबर। तो मुझे यहाँ पे ये लिस्ट शो करना है, तो लिस्ट शो करने के लिए इधर एक ऑप्शन आता है प्रीव्यू रिजल्ट, प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करो। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद शो हो रहा है यहाँ पे एड्रेस। अभी ये एड्रेस में मैंने जैसा लिस्ट बनाया था वो पूरा आ गया, जैसे मैंने नेम डाला था, सरनेम डाला था, एड्रेस डाला था और पिन कोड डाला था, ठीक है। और एक चीज डाली थी मैंने, ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी लेना है, पिन कोड के नीचे की तरफ लेना है, बराबर। ओके आ गया अभी इसमें ईमेल एड्रेस, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओके देखो वापिस से देखते, सबसे पहला मैंने स्टार्ट मेल मर्ज में जाके हमें सेलेक्ट करना है लेटर्स। नेक्स्ट लेना है सेलेक्ट रेसिपिएंट, सेलेक्ट रेसिपिएंट में जाके लेना है टाइप अ न्यू लिस्ट। टाइप अ न्यू लिस्ट में जाके ये जो सिलेक्टेड फील्ड है उसको रखना है, बाकी को डिलीट करना है। तो उसके लिए मैंने लिया था कस्टमाइज कॉलम, जो चाहिए उसको सिलेक्ट करके डिलीट करना है। ओके नेक्स्ट, फिर मैंने लिया था न्यू एंट्री। ओके फिर एंट्री मैंने यहाँ पे टाइप किया था, टाइप करने के बाद वो लिस्ट को सेव करना है। अगर तुम लोग को उसमें एडिटिंग करना है तो एडिट रेसिपिएंट में जाके एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओके फिर नेक्स्ट क्या लिया था मैंने, एड्रेस ब्लॉक, देन ग्रीटिंग लाइन, देन प्रीव्यू रिजल्ट, ठीक है। ये रिजल्ट बताएगा जो मतलब लिस्ट में प्रॉपरली आया है क्या नहीं, सब वो बताएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे हम, इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके यहाँ से लेना है, ठीक है। जैसे कि ईमेल एड्रेस नहीं आया था, क्लियर है। ओके अभी ये देखो, ये सिर्फ फर्स्ट एक ही पेज पे आया है, ठीक है, मुझे बाकी के और तीन रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो वो तीन रिकॉर्ड देखने के लिए हम क्या करेंगे, फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन में जाना है। देखो मैंने पेज इंसर्ट नहीं किया है, सिर्फ एक ही पेज यहाँ पे है, ठीक है। तो फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन पे गए, फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन पे तीन ऑप्शन दिखाई दे गए, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट एंड सेंड ईमेल मैसेज, ठीक है। अभी मुझे मेल के थ्रू सेंड तो नहीं करना है और इसका प्रिंट आउट भी नहीं चाहिए, मुझे बाकी के तीनों रिकॉर्ड देखने हैं। तो क्या करेंगे हम, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, सो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करो। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये पूछेगा तुम लोगों को कि कितने रिकॉर्ड तुम लोगों को मर्ज करने हैं, ठीक है। करंट रिकॉर्ड मर्ज करना है या फिर यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट तुम लोगों ने क्रिएट करके रखा है और उनमें से कुछ सिलेक्टेड लिस्ट ही मर्ज करना है तो डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट मुझे पूरा लेना है तो ऑल रिकॉर्ड मर्ज, देन इसको ओके किया। ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली तुम लोग को पेज इंसर्ट होते हुए दिखाई देगी, पेज इंसर्ट हुआ है कि नहीं, कैसे शो होगा,